रोजमर्रा के काम से थका हारा एक जादूगर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गधा और एक सुअर अपनी सुरीली आवाजों में एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए शोर मचाते हुए उस जादूगर के पास आकर उसकी नींद खराब करते हैं। तभी वो जादूगर नींद से जागता है और काफी गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों बेवकूफ जानवरों ने मुझे मिले एक घंटे आराम को बंक कर दिया है, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। ये कहते हुए वो जादूगर अपने जादू से उन्हें एक कर देता है। इससे वो गधा अपना शरीर खो देता है और वो सुअर अपना सर खो देता है। जब तक कोई तुम्हें एक नया नाम नहीं देते तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। ये कहते हुए वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वो डोंकी हेडेड पिग वहाँ गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव में जाने के बाद ऐसे अजीब जानवर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कोई उन्हें सुअर कहता है तो कोई गधा कहते हैं। उन्हें देखकर अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। लगता है दूसरे गांव से आए हैं। ये खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी पागल साइंटिस्ट का भागा हुआ प्रयोग है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हाँ, लेकिन इसे ऐसे अपने गांव के गलियों में घूमने नहीं दे सकते हैं। अगर ये खतरनाक हुआ तो गलियों में खेल रहे छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। चुल्लू सही कह रहा है। ये सुझाव हमारे बहादुर चुल्लू का है, इसीलिए वही इसे पकड़कर पिंजरे में बंद करेगा। चाचा जी, ये क्या कह रहे हो? ये गलत बात है। अभी अभी तो बहादुर कहा था, अभी से डर गए? मैं किसी से नहीं डरता, अभी पकड़ता हूँ उसे। ये कहते हुए उसे पसंद ना होने पर भी झूठी शान के लिए अपने डर को अंदर ही दबाकर उसे पकड़ने के लिए जाता है। आजा आजा, अच्छे गधे, प्यारे गधे। ये बात सुनकर वो सुअर गुस्सा हो जाता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर वो गधा प्यारा है तो मैं क्या बुरा हूँ। ऐसे उस सुअर को ईर्ष्या होने लगती है और चुल्लू को उठाकर लात मारती है। पहले से ही डरा हुआ चुल्लू जरा सा मार लगते ही वहाँ से डरकर भाग जाता है। शायद वो कोई गधा नहीं बल्कि एक पिग ही होगा, इसीलिए गधे की तरफ सुनकर गुस्सा हो गया था। ये कहते हुए एक बार और हिम्मत जुटाकर उस डोंकी हेडेड पिग के पास जाता है और इस बार वो उस सुअर की तारीफ करता है। ओ अच्छे पिग, शांत और सुरली आवाज के मालिक, अच्छे जानवर की तरह मेरे साथ चलो और पिंजरे में बैठ जाओ। इस बार ये बात सुनकर गधे को गुस्सा आता है। वो अपने मन में ऐसा सोचता है, धोखेबाज कहें कि एक बात पर टिक नहीं हो सकते। ये सोचते हुए चुल्लू को काटने के लिए जाता है। चुल्लू फिर से वहाँ से डरकर भाग जाता है। इस बार मैं इन्हें एक नए नाम से पुकार कर इनकी तारीफ करूँगा। चुल्लू ये सोचकर एक बार और वहाँ पर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो वहाँ पर नहीं थे। वो गांव में किसी गलियों में घूम रहे थे। अगर वो जानवर मेरे हाथ लगने से पहले ही कोई गड़बड़ करेगा तो ये गांव वाले मुझे ही दोष देंगे, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। ये कहते हुए चुल्लू उस डोंकी हेडेड पिग को गांव की गलियों में ढूंढने लगता है। कुछ महिलाएं उसे देखकर चिल्ला रही थी। उनकी आवाज सुनकर वो डोंकी हेडेड पिग डर जाता है और सब तोड़ फोड़ करते हुए लोगों के ऊपर चढ़ते हुए भागता है। चुल्लू भी उसी आवाज पीछा करते हुए किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो ये सोचते हुए भागता है। चुल्लू, वो जानवर मेरे घर में घुसा है, अंदर मेरी चाय उबलने वाली है,
जल्दी से कुछ करो ना। चुल्लू हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है। वो गधा और सुअर घबराए हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। चुल्लू अंदर आते ही उन्हें बाहर का रास्ता नजर आता है और एकदम से उसकी तरफ भाग कर आते हैं। ये देखकर चुल्लू डर जाता है और ये नाम पुकारता है, रुक जाओ पिड्डू। ये कहते ही वो दोनों पहले जैसे अलग अलग हो जाते हैं। वो देखकर चुल्लू को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उन दोनों के साथ बहादुर की तरह बाहर निकलकर अपनी शिकिया बगड़ने लगा था। ऐसे उन दोनों जानवरों का श्राप टूट गया और ना चाहते हुए भी लोगों को चुल्लू को बहादुर चुल्लू कहकर पुकारना पड़ रहा था। नौटंकीपुर गांव वहां की कला के बारे में जाना जाता था। वहां पर अक्सर नाटक होते रहते थे। ऐसे ही एक नाटक दल का सदस्य था विजय। विजय वैसे तो बहुत अच्छा नौटंकी था, लेकिन उसे चोरियां करना और लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। और इस वक्त उसका सारा ध्यान बहादुर सिंह की बकरियों पर है। बहादुर सिंह एक शांत और ईमानदार मटन शॉप वाला पहलवान है। बहादुर भाई, एक केजी मटन दे दो। अभी दे रहा हूँ। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? पता नहीं कैसे, लेकिन हर रोज मेरे घर से एक बकरी चोरी हो रही है। मैं रात भर जाकर उन्हें देख रहा हूँ, फिर भी गायब हो रही है। परेशान मत हो बहादुर भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो आदमी अपना मटन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के ठीक थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर विजय आता है। अरे विजय, कैसे आना हुआ? मटन तो तुम खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाता बे, अब तो हर रोज खाऊंगा। ऐसी बात नहीं है बहादुर भाई, मैं भी अपनी एक मटन की दुकान खोल रहा हूँ, आप भी जरूर आना। विजय इतना चालाक है कि वो जिसकी बकरियाँ रोज चुराता है पहले उसी को जाकर ये बात सुनाता है। ये कहते हुए विजय वहाँ से चला जाता है और हर रोज की तरह अपने नाटक के सामान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर बहादुर के घर जाकर बड़े आराम से अपने साथ उसकी एक बकरी लेकर आता है। अगले दिन सुबह विजय एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी दुकान में मटन बेच रहा था। वो कॉस्ट्यूम इतना असली लग रहा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। ऐसे अतरंगी अवतार में मटन बेचने की वजह से गांव के सभी लोग उसी के पास से मटन खरीदने के लिए जा रहे थे। इस वजह से उस दिन बहादुर की दुकान पर कुछ भी कमाई नहीं हुई थी। शायद आज पहला दिन है, इसीलिए सब वहाँ जा रहे हैं। शायद कल मेरे ग्राहक मेरे पास लौटकर आएंगे। ये कहते हुए बहादुर खुद को हिम्मत देता है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बहादुर की दुकान में कोई कमाई नहीं होती और ऊपर से उसकी बकरियां भी चोरी हो रही थी। यहाँ पर विजय का काम धूमधाम से चल रहा था। कहाँ जा रहे हो बहादुर भाई? मैं तुम्हारी दुकान से ही आ रहा हूँ। बनती तुम्हारी दुकान। चलो, कोई तो मेरी दुकान पर आया था। वैसे मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। मुझसे? बताओ भाई, क्या काम है? मेरी सारी बकरियां चोरी हो गई है। नई बकरियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपकी नाटक की कंपनी में कोई काम मांगने के लिए आ रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी आप जैसे पहलवान नाटक करते हुए अच्छे नहीं लगते भाई, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक काम है। नाटक के सामान में से पता नहीं कौन कॉस्ट्यूम चुरा रहा है,
शायद वो कॉस्ट्यूम चोर विजय है। वो एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर मटन बेच रहा है। उसी के वजह से मेरी दुकान बंद हो गई है। शेर का कॉस्ट्यूम तो उसने मुझे पूछ कर ही लिया था, लेकिन मेरा सबसे महंगा बकरी का कॉस्ट्यूम भी गायब है। वो एकदम असली बकरी जैसे कॉस्ट्यूम था। ये बात सुनते ही बहादुर के मन में एक ख्याल आता है और वो उस ख्याल को उस आदमी से शेयर करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये बकरी खरीदने के पैसे दूंगा। देखो, अगर कोई दूसरी बकरी आकर उस बकरी को अपने साथ लेकर जा रही तो वो बकरी विजय ही है। ये कहते हुए वो आदमी बहादुर को बकरी खरीदने के पैसे देते हैं। बहादुर उन पैसों से एक बकरी खरीदकर घर लौटते वक्त जानबूझकर विजय से मिलता हुआ जाता है। एक और बकरी की इंतजाम हो गया, ये सोचते हुए खुश होता है विजय। और हमेशा की तरह उस कॉस्ट्यूम को पहनकर रात में बहादुर के घर आता है और छुपके से उसकी बकरी को अपने साथ लेकर जाता है। बहादुर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर जाता है और चुपचाप लौटकर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जब विजय उस बकरी को कटवाने के लिए लेकर जा रहा था, तब वो आदमी और बहादुर उसका रास्ता रोक लेते हैं। मेरी बकरियां तुम्हारे पास कैसे आई विजय? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकरी मेरी है। ये बात सुनने के बाद बहादुर अपने आप को रोक नहीं पाता और विजय को खूब पीटता है। मुझे मत मारो, मैं सारी बात बताता हूँ। ये कहते हुए सारी बात बताता है विजय। अगले दिन सुबह विजय बहादुर की दुकान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर डरते हुए काम कर रहा है और बहादुर दुकान के बाहर एक असली शेर के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। बुरे कर्मों फल हमेशा बुरा ही मिलता है।